हेलो जी नमस्कार एवरीवन कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे मैं डॉक्टर प्रियंका मिश्रा आपकी जोलॉजी फैकल्टी इस नीट बायोलॉजी हिंदी पॉडकास्ट सीरीज़ में बेटा लेकर के आई हूँ मानव कारिकी का अगला अध्याय उत्सर्जी तंत्र या उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन एक्सट्री प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन तो जैसा कि मैं आपसे बोलती हूँ कि उस पॉडकास्ट सीरीज़ के शुरू होते ही ईयरफोन लगाइए आँखों को बंद करिए और मेरे साथ एनसीआर टी और नोट्स को मेमोराइज़ करना स्टार्ट करिए उसकी इमेज बनाना शुरू करिए मैं कहानी या गाना बोलना शुरू करिए या गाना गाना शुरू करती हूँ लिरिक्स पे ध्यान दीजिएगा ठीक है शुरू करने से पहले बेटा मैं पिछला चैप्टर जो आपका था बॉडी फिट्स एंड सर्कुलेशन शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण वहाँ के दो पॉइंट्स बेटा यहाँ पर जिक्र करना चाहती हूँ जो शायद मैं वहाँ जिक्र करना भूल गई थी जिसका बच्चों ने कमेंट में जिक्र किया मैंने उनसे कहा प्रॉमिस किया कि हाँ नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको ज़रूर बोलूंगी तो सबसे पहला बेटा उसमें यह था कि हार्ट साउंड्स हृदय ध्वनि बेटा कब आती है और यहाँ से आपके नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है तो दो हृदय ध्वनि वैसे तो कई होती है चार होती है लेकिन आपकी एनसीईआरटी में चार हृदय दुन, दो हृदय ध्वनि है और वो हृदय ध्वनि बेटा पहली है आपकी लव दूसरी है आपकी डब कब आपको ये हृदय ध्वनि सुनाई देती है आपको ये पता होना चाहिए जो आपका फर्स्ट हार्ट साउंड है पहली हृदय ध्वनी जो है आपका लव ये बेटा आपके त्रिकप त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट के बंद होने पर सुनाई देती है वहीं बेटा आपका जो दूस, दूसरी हृदय धुनी है जिसको हम डब बोलते हैं यह आपके अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने पर सुनाई देती है दूसरा पॉइंट बेटा जो लास्ट चैप्टर में छूट गया था जिसका मुझे बच्चों ने जिक्र करके कमेंट सेक्शन में बताया वो ये कि मैम आपने निवाई का तंत्र के बारे में नहीं बताया बिल्कुल बताएंगे यकृत निवाई का तंत्र पार्टिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है ऐसा तंत्र जिसमें बेटा आपके छोटी आंत से जो भी बेटा अवशोषित होता है शिराओं में वो सीधा बेटा आपके हृदय तक पहुंचता है ठीक है तो इसको हम बोलते हैं यकृत निवाई का तंत्र अब शुरू करते हैं अपना ये वाला अध्याय उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन एक्सट्रीटी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन तो शुरुआत से शुरू करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय की होता क्या है बेटा उत्सर्जन उत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जिसके द्वारा आपके शरीर के अंदर बनने वाले कई सारी उपापचन अभिक्रियाओं के दौरान जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं बेटा उन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से निष्कासन उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं ठीक है उत्सर्जन के लिए बेटा अलग अलग तरीके के जीवों में अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी अंग हैं तो शुरू करते हैं बेटा अपना प्राणी जगत का सबसे पहला संघ आपका पौरीफेरा दूसरा आपका सिलेंटेटा, तीसरा आपका टीनोफोरा पॉरीफेरा सिलेंटेटा, टीनोफोरा इन तीनों में बेटा उत्सर्जन के लिए इनकी कोई विशिष्ट अंग नहीं है इनकी शरीर की सतह से ही बेटा उत्सर्जन होता है नाइट्रोजन या पदार्थ का इसके बाद हम बात करते हैं बेटा आपका संघ प्लेटियलमेंथिस तो प्लेटियलमेंथिस में प्रोटोन पाए जाते हैं ठीक है इसके बाद आते हैं आपके एसकेएल मेंथिस तो एसकेएल मेंथिस में भी कोई अलग से बहुत ज्यादा विकसित अंग नहीं है लेकिन इनमें रेनेट कोशिकाएं पाई जाती है जिनके बीच में एक जो कि एच आकार एच मतलब एच फॉर हॉर्स ठीक है जो कि एच आकार की कोशिकाएं होती हैं जिनके बीच में एक छोटा सा रंध्र होता है उसी से ये नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं नेक्स्ट हो गया बेटा आपका एनलेडा एनिडा के अंदर नेफ्रीडिया पाया जाता है प्रत्येक खंड के अंदर इसके बाद आता है आपका आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा में बेटा कई सारे अलग अलग उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं जैसे कि मेलपिगी नलिकाएं कॉकरोच में नीट में आ चुका क्वेश्चन इसके अलावा बेटा इसमें हरित ग्रंथियां जिनको हम एंटीनरिया कॉक्सल ग्रंथियां कहते हैं वो भी पाई जाती हैं फिर हम बात करते हैं आपके मोलस्का की तो मोलस्का में टीनीडिया जिनको हम क्लोम कहते हैं उनके द्वारा उत्सर्जन होता है आगे हम बात करेंगे आपके इकानोडेर्मेटा तो इकानोडेर्मेटा में कोई भी विशेष उत्सर्जी अंग नहीं पाया जाता है नीट में आ चुका क्वेश्चन फिर है बेटा आपका संघ हेमिकॉडेटा हेमिकॉडेटा में उत्सर्जन के लिए बेटा आपके हेमिकॉडेटा में उत्सर्जन के लिए आपके क्या होते हैं हेमिकॉडेटा में हाँ प्रोबोसिस ग्रंथि ठीक है शुंड ग्रंथि नीट 2019 का क्वेश्चन है शुंड ग्रंथि ठीक है शुंड और शुंड ग्रंथि दोनों आया था तो शुंड ग्रंथि के द्वारा उत्सर्जन होता है फिर हम बात करते हैं आपके संघ कॉर्डेटा uh, की तो संघ कॉर्डेटा में भी सबसे पहले आते हैं आपके प्रोटोकॉर्डेट्स जो कि आपके इनवर्टिब्रेट्स हैं अकशेरुकी हैं उनमें आपके यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉडेट्स हैं तो यूरोकॉर्डेट्स में उत्सर्जन के लिए बेटा आपके न्यूरल ग्रंथियां पाई जाती हैं वहीं सिफेलोकॉडेट्स में उत्सर्जन आपके प्रोटोनफ्रीडिया यानी कि जो कोशिकाओं के द्वारा होता है यही आपके स में भी होता है फिर हम बात करते हैं आपके कॉर्डेट्स की कॉर्डेट्स के कॉर्डेट्स के अंदर आपके वर्टिब्रेट्स की जिनके अंदर कशेरुग दंड होता है तो वर्टिब्रेट्स में बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी मछलियों की तो मछलियों में क्लोम के द्वारा ही उत्सर्जी पदार्थ जो भी हैं वो बाहर निकल जाते हैं फिर हम बात करेंगे आपके मछलियों के बाद सरीस्रप या उबैचर उबैचर में बेटा उत्सर्जन के लिए आपको पता है वृक्ष पाए जाते हैं आपके सरीस्रप हो गए आपके पक्षी हो गए आपके स्तनी हो गए इन सब में बेटा वृक के द्वारा द्वारा किडनी के द्वारा ही उत्सर्जन होता है ठीक है 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 उत्सर्जी अंग में में ही बेटा यहीं पर एक एक और हमें चीज पढ़नी जो जो कि कि एनसीईआरटी मेंशन वो ये कि अलग अलग जो जीव हैं इनमें उत्सर्जी पदार्थ होता क्या है इनमें उत्सर्जी उत्पाद क्या है तो नाइट्रोजन ही उत्सर्जी उत्पाद बेटा मुख्य रूप से तीन होते हैं एक होता है आपका अमोनिया दूसरा होता है आपका यूरिया तीसरा होता है आपका यूरिक अम्ल इन सब में बेटा सबसे ज्यादा जो विषाक्तता टॉक्सिसिटी है बेटा वो है आपके अमोनिया की सबसे कम है यूरिक अम्ल की और अमोनिया को शरीर से बाहर निकलने के लिए जल बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है इसीलिए जितने भी स्वच्छ जलीय जीव है जितने भी स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीव है बेटा ये सब अमोनिया को उत्सर्जी उत्पाद के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं फिर हम बात करते हैं यूरिया कौन निकालता है तो यूरिया बेटा जमीन पर रहने वाले जिनको सही सही मात्रा में पानी मिल जाता है जैसे कि हम हम यूरिया निकालते हैं इसी के अलावा यूरिक अम्ल कौन निकालता है तो यूरिक अम्ल वाला क्वेश्चन बेटा कई बार आपके नीट में पूछा जा चुका है यूरिको उत्सर्जी बेटा आपके जो जीव होते हैं वो आपके होते हैं पक्षी जिनको पानी बहुत कम मात्रा में मिलता है ये होते हैं आपके सरीसृप और ये होते हैं बेटा आपके ज़मीन पर रहने वाले कीट ठीक है ये सब आपके यूरिक अम्ल निकालते हैं डन अब हम शुरू करते हैं बेटा मानव उत्सर्जी तंत्र तो मानव उत्सर्जित तंत्र तंत्र है मतलब अंगों का समूह है तो मानव उत्सर्जी तंत्र में बेटा एक जोड़ी व्रक आते हैं जिनको हम किडनीज बोलते हैं जिनकी लंबाई बेटा लगभग आपकी आठ से बारह सेंटीमीटर होती है जिसकी चौड़ाई लगभग आपकी पाँच से सात सेंटीमीटर और उसकी मोटाई आपकी दो से तीन सेंटीमीटर की होती है फिर हम बात करते हैं बेटा एक जोड़ी व्रक के अलावा इससे एक जोड़ी मूत्रवाहिनी निकलती है यूरेटर्स जिनको हम बोलते हैं ये जाकर के मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है और मूत्राशय से बेटा मूत्र

वृक्क की सबसे छोटी इकाई यानी कि संरचनात्मक का और कार्यात्मक कार्यात्मक है, जिसे हम नेफ्रॉन भी बोलते हैं अब ये जो बेटा वृक्काणु होते हैं ये वृक्काणु आपकी किडनी में दो प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम बात करें उससे पहले आप जल्दी से एक वृक्काणु की संरचना को इमेजिन कर लीजिएगा कि जो वृक्षाणु होता है उसमें ऊपर एक होता है कप

कई सारी ऐसी संग्रहण नलिका मिलकर बेटा आपकी डक्ट्स ऑफ बनाती ठीक है थीके? ये आपकी एनसीईआरटी से बाहर है इसको आप छोड़ सकते हैं अब ये जो बेटा आपके वृक्काणु होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं एक तो हो गए आपके वलकुटीय वृक्काणु दूसरे होते हैं आपके सानिध्य मध्यांश वृक्षाणु जो वल्कुटीय वृक्षाणु होते हैं ये वो वृक्षाणु होते हैं जिनका अधिकांश भाग किडनी के वृक्क के वलकुट में स्थित होता है अब कौन सा भाग बेटा वलकुट में होता है तो बोमेन संपुट आपका वलकुट में होगा समीपस्थ कुंडलित नलिका मतलब पीसीटी दूरस्थ कुंडलित नलिका मतलब डीसीटी ये सब कुछ बेटा आपके वलकुट में होगा हैनले पाश या हैनले लूप जो होता है बेटा जो वलकुटीय नेफ्रॉन होते हैं या वलकुटीय विकाणु होते हैं इनमें बहुत कम विकसित होता है और अगर होता भी है तो वो या तो अनुपस्थित होता है और अगर होता भी है तो बहुत कम विकसित होता है और मध्यांश में बहुत थोड़ा सा ही अंदर तक धस हुआ रहता है और इसी वजह से बेटा हेनले पास के चारों तरफ जो वासा एकटा होता है जो रक्त के शिकाओं का जाल होता है वो वलकुटीय वृक्षाणु में लगभग अनुपस्थित होता है हमारे शरीर के 80 परसेंट नेफ्रॉन या वृक्षाणु वलकुटीय वृक्षाणु हैं बचे हुए जो 20 परसेंट है बेटा 15 से 20 परसेंट ये आपके सानिध्य मध्यांश वृक्षाणु जिनको हम जक्स्टा मेडलरी नेफ्रॉन्स बोलते हैं ये ऐसे वृक्षाणु हैं जिनमें बहुत लंबा हैनले पाश होता है बहुत लंबा हैनले लूप होता है बहुत लंबा होने की वजह से वो मध्यांश वृक्ष वृक्ष के मध्यांश में काफ़ी गहराई तक स्थित होता है ठीक है बाकी इनमें भी बोमेन संपुट पीसीटी, डीसीटी ये सब कुछ बेटा इसके वृक्ष के वलकुट भाग में ही पाया जाएगा इनमें बस हेनले पाच बहुत ज़्यादा विकसित होता है बहुत लंबा होता है और वृक्ष के मध्यांश में काफ़ी गहराई तक स्थित होता है ठीक है क्योंकि बेटा इसमें हेनले पाश बहुत लंबा होता है तो हेनले पाश के चारों तरफ जो केशिकाओं का जाल होता है जिसे हम वासा रेक्टा कहते हैं वो भी बेटा इनमें काफ़ी विकसित होता है और ये कुल वृकााणु के मात्र 20 परसेंट ही बनाते हैं सानिध्य मध्यांश वृक्षाणु अब इनका काम क्या होता है तो बेटा जो भी आपका मूत्र बनाए या जो भी आपका निस्संद बनाए उन उस निस्संद को सांद्रित करने का काम बेटा इन्हीं हेनले पाश का होता है इन्हीं सानिध्य मध्यांश वृक्षाणुओं के लंबे हेनले पाश का होता है ठीक है अब बढ़ते हैं आगे आगे बेटा बढ़ेंगे तो अगला आपका टॉपिक है मूत्र निर्माण मतलब की फॉर्मेशन मूत्र निर्माण बेटा तीन स्टेप में होता है तीन चरणों में होता है सबसे पहला होता है गुच्छीय निस्यंदन जिसको हम गुच्छीय पराणस्य बोलते हैं दूसरा हो गया बेटा आपका नलिकीय पुनः पुनः अवशोषण तीसरा या ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं ये जो बेटा आपका गुच्छीय निसंदन होता है ये आपकी मेलपिगी संपुट या हम इसको रीनल कॉपसल बोलते हैं मेल्फीजियन कॉपसल बोलते हैं वहां पर होता है अब मेल्फीजियन कॉपसल क्या होता है बेटा तो आपकी अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका ठीक है ये दोनों बेटा जहां पर मिलती हैं दोनों धमनिकाओं के बीच में केशिकाओं का जाल होता है जिसको बेटा हम गुच्छ यानी कि ग्लोमेरुलस बोलते हैं तो ये जो आपका जाल है केशिकाओं का जिसको हमने ग्लोमेरुलस या गुच्छ बोला बेटा ये गुच्छ और बोमेन संपुट ये दोनों मिलकर के बेटा बनाती हैं आपकी रीनल कॉपसल या मेलपीगिन मेलपीगियन कॉपसल या मेलपीगी काय ठीक है यहां पर बेटा इस मैलपिग काय में एक्चुअल में गुच्छीय होता है अब इस गुच्छीय गुच्छी परा में दाब कितना होता है तो इसका मैंने आपको पूरा फॉर्मूला बताया नीट में वो नहीं आएगा नीट से बाहर एनसीआरटी से बाहर है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इस परांदन के दौरान लगभग दस से बीस एम एम ऑफ एच का दाब यहाँ पर होता है जिसकी वजह से यहाँ पर जो रक्त होता है उसका निस्संदन यानी कि फिल्ट्रेशन होता है ठीक है अब जो आपका हृदय निकास होता है कार्डेक आउटपुट जो कि एक मिनट में लगभग पांच लीटर अप्रोक्स मतलब और डिटेल में देखें तो पांच हजार चालीस मिली है ना लगभग जो आपका पांच लीटर का हृदय निकास है कार्डेक आउटपुट उस पांच लीटर का एक पांचवा हिस्सा लगभग 1100 से 1200 सो मिलीलीटर रक्त जो होता है बेटा वो प्रति मिनट आपके वृक्ष तक पहुंचता है और वृक्ष के अंदर इसी भाग में मैलपिगी काय वाले भाग में बेटा वो यहां पर निस्त बनाता है या यहां पर आकर के वो फिल्टर होता है ठीक है प्रति मिनट आपका 1100 से 1200 मिलीलीटर रक्त दोनों वृक्षाणु में दोनों वृक्कों में जाकर के लगभग प्रत्येक वृत में दस लाख वृक्षाणु होते हैं इनमें जाकर के बेटा उसका निस्यंदन होता है और इस निस्यंदन के दौरान क्या क्या छन करके नीचे आता है तो वो सब कुछ बेटा रक्त में से छन करके आपके नलकीय भाग में पहुंच जाता है वृक्षाणु के जिसका आणविक भार साठ हजार से कम है और इसमें क्या क्या आ जाता है बेटा इसमें संगठित पदार्थ को अगर हम छोड़ दें जिसमें आपकी रक्त कोशिकाएं आ जाती हैं और प्लाज्मा प्रोटीन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो कुछ भी आपके रक्त में उपस्थित होता है वो सब कुछ छन करके इस वृक्षाणु के नलकी भाग में आ जाता है क्योंकि बेटा यहाँ पर बहुत ही बारीक निस्संद होता है बहुत ही बारीक तरीके से निस्संदन होता है इसीलिए बेटा हम इसको गुच्छीय परा निसन भी बोलते हैं ठीक है तो कुल हृदय निकास का एक पांचवा हिस्सा लगभग 1100 से 1200 मिलीलीटर जो रक्त होता है वो यहाँ पर जाकर के निस्संद होता है पहली बात दूसरी बात बेटा यहां पर जो निस्यंद झिल्ली होती है जिसको हम फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बोलते हैं ये किससे मिलकर के बनती है तो निस्यंद झिल्ली बेटा आपके केशिका गुच्छ में जो आपकी एंडोथीलियम है सरल छल की उपकला वो बीच में आधारी झिल्ली और आपके बोमेन संपुट की आंतरिक भित्ति का जो स्तर होता है वहां पर भी आपकी सरल छल की उपकलाई थोड़ी रूपांतरित रूप में उपस्थित होती है जिसको हम पोडोसाइट के नाम से बोलते हैं तो ये तीनों स्तर मिलकर के आपकी निस्संद झिल्ली बनाते हैं एंडोथिलियम केशिका गुच्छ की और आपके बोमेन संपुट के आंतरिक भित्ती के पोडोसाइड्स और इन दोनों के बीच में बेटा आधारी झिल्ली ठीक है ये तीनों मिलकर के बनाते हैं आपकी निस्संद झिल्ली जिससे निस्संद या जिससे आपका रक्त छन करके आपके नल भाग में पहुंचता है ठीक है यहां पर ये जो पोडोसाइट्स होते हैं इनका अंगुली नमा कुछ इस तरीके से आ, व्यवस्था इनकी होती है जिसकी वजह से बहुत छोटे छोटे छिद्र बनते हैं जिनको हम रंध्र बोलते हैं जिनसे आपका रक्त छन करके इस वृक्षाणु के नली के भाग में पहुंचता है ठीक है और इस हिसाब से बेटा आपका एक मिनट में लगभग 125 मिलीलीटर निस्यंद बनता है जिसके हिसाब से पूरे दिन यानी 24 घंटे में लगभग 180 लीटर का निस्यंद बनता है लेकिन हम 180 लीटर तो बाहर नहीं निकालते हैं हम बाहर दिन में निकालते हैं मूत्र के रूप में मात्र 1 से 2 लीटर इसका मतलब यह हुआ कि कुल निस्यंद जो बना 24 घंटे में 180 लीटर हमने उसका लगभग 99% लगभग 99% भाग जो था उसका

रीअब्स में हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा बेटा जो पुनः अवशोषण होता है वो होता है आपके समीपस्थ कुंडलित नलिका में जिसको हम बोलते हैं पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वलिटी ट्यूब्यूल कुल निस्संद का लगभग 70 पर से 80 परसेंट जो पुण्य अवशोषण होता है वो आपके समीपस्थ कुंडलित नलिका में ही हो जाता है और यहाँ पर बेटा सक्रिय पुण्य अवशोषण होता है निष्क्रिय पुण्यवशोषण होता है सक्रिय पुण्यवशोषण यहाँ पर होता है ग्लूकोज का अमीनो अम्ल का जो बहुत ज़रूरी चीज़ें थी जो ज, ज, जो कि छनके आ गई हैं आपके नलिके भाग में इसके अलावा जल वगैरह ये सब आपका ऑस्मोसिस से वापस आपके रक्त में चला जाता है ठीक है इसके बाद बेटा PCT से ये पहुंचता है आपके हेनले लूप में और हेनले लूप में दो भुजाएं होती हैं एक होती है इसकी अवरोही भुजा जो नीचे जा रही है दूसरी होती है इसकी आरोही भुजा जो ऊपर आ रही है तो हेनले लूप की अवरोही भुजा में आपके जल का पुनः अवशोषण होता है हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य होती है और जो आपके वैद्युत अपघट्टे हैं वैद्युत अपघट्टे जैसे कि आपके आयंस वगैरह इनके लिए लगभग अपारगम्य होती है लगभग अपारगम्य होती है वहीं आपके जो हैंडल पास की जो आरोही भुजा जो ऊपर की तरफ आ रही है बेटा ये ये आपके वैद्युत अपघट्य के लिए तो पारगम्य होती है लेकिन जल के लिए लगभग अपारगम्य होती है ठीक है इसके बाद बेटा ये निश्चन जाता है आपके डीसीटी भाग में जो दूरस्थ संवलित नलिका है वहां पर और दूरस्थ संवलित नलिका में बेटा जरूरत पड़ने पर कंडीशनल यानी परिस्थिति के हिसाब से बेटा यहाँ पर पुनः अवशोषण होता है जरूरत है शरीर को तो पुनः अवशोषण होगा नहीं है तो नहीं होगा किसका होता है जल और सोडियम का ठीक है एन ए पॉजिटिव आयन का इसके बाद बेटा ये जाता है आपके संग्रहण नलिका में संग्रहण नलिका में जब यह निस्संद पहुंचता है तो संग्रहण नलिका में जल का और कुछ मात्रा में यूरिया का भी पुनः अवशोषण होता है ये जल और यूरिया का पुनः अवशोषण बेटा इसलिए होता है ताकि आपके वृक्ष का जो मध्यांश भाग है उसकी परासरणता को बनाया जा सके यहां तक क्लियर है ठीक है तो ये हो गया आपका पुण्यवशोषण तो पुनः अवशोषण होता किस किस का है सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पीसीटी भाग में पीसीटी भाग में बेटा पुण्यवशोषण होता है आपके जल का ग्लूकोज का अमीनो अम्ल का साथ ही साथ बेटा यहाँ पे आयंस का जैसे आपके बाइकार्बोनेट आयन का भी पुण्यवशोषण होता है और यहाँ पर श्रावण होता है नलकीय श्रावण जो कि आपके मूत्र निर्माण का तीसरा स्टेप है इस यहाँ पर नलकीय श्रावण होता है बेटा हाइड्रोजन आयन का ठीक है अमोनियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन आयन का अमोनियम आयन का अब ये जो बेटा आपका हाइड्रोजन आयन है जिसका यहाँ पर श्रावण हो रहा है यही हाइड्रोजन आयन बेटा आपके मूत्र में भी उपस्थित होता है और इसी हाइड्रोजन आयन के नल के श्रावण के कारण क्योंकि ये मूत्र में जाता है जो मूत्र होता है उसका पीएच थोड़ा सा अम्लीय होता है मूत्र का पीएच छ होता है ठीक है तो ये जो स्लाइट एसिडिक पीएच है मूत्र का वो इसी हाइड्रोजन आयन के श्रावण के कारण है यहाँ तक क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जैसे ही हम आते हैं यहाँ पे हो गया आपका अवशोषण हो गया ठीक है आपका हमने हैंडले लूप में देख लिया हैनले लूप की आरोही जो अवरोही भूजा है वहां पे जल का पुनः अवशोषण होगा लगभग एन का नहीं होगा वहीं इसकी आरोही भुजा में का है, तब गट्टी का होगा, जलका नहीं होगा। और जल तो का पुनः अवशोषण तो होता है ठीक है तो यहाँ पर हमने दो टॉपिक कवर कर लिया एक तो मूत्र निर्माण के वो तीनों स्टेप और साथ ही साथ बेटा हमने यहाँ पर कवर कर लिया वृक्षाणु के नलिकी भागों के कार्य ठीक है कहाँ कहाँ पर क्या क्या पुनः अवशोषण होता है फिर हम बढ़ते हैं बेटा आगे अगला टॉपिक है बेटा आपका ये जो आपके वृक्षाणु होते हैं ये वृक्षाणु मूत्र को या जो भी निस्यंद बनाए उस निस्यंद को सांद्रित करने का कार्य करते हैं यानी कि उसको कंसंट्रेट करने का कार्य करते हैं निस्यंद को सांद्रित करने की जरूरत क्या है निस्यंद को सांद्रित करने की जरूरत इसलिए होती है ताकि आपके वृक्ष के मध्यांश भाग का पहली बात तो परासरण जो है उसकी परासनता को मेंटेन किया जा सके दूसरा बेटा कम से कम मात्रा में हम जल को शरीर से बाहर निकालें क्योंकि हमारा शरीर 70 परसेंट जल से बना हुआ है ना तो हमें शरीर में जल को रोकना भी बहुत जरूरी है तो इसलिए बेटा हमें मूत्र को जो निस्संद बनाए उस निस्यंद को कंसनट्रेट uh, सांद्रित करने की जरूरत पड़ती है और निस्यंद के सांद्रण में मैंने आपको बताया सानिध्य मध्यांश जो आपके वृक्षाणु होते हैं इनकी मुख्य रूप से भूमिका होती है ठीक है जो कि आपके अंदर मात्र बीस होते हैं अब इसकी अगर हम बात करें तो निश्चंद को सांद्रित करने के लिए हम बात करेंगे हैंनले लूप की तो इमेजिन करिएगा हैनले लूप हैनले लूप की अवरोही भूजा जहाँ से निश्चंद पी से नीचे की तरफ आ रहा है तो अवरोही भूजा जहाँ पर शुरू हो रही है बेटा वहाँ पर या मध्यांश के जिस भाग में है अवरोही भूजा जहाँ से शुरू हुई है वहाँ की बेटा परासरणता होती है तीन मिली ऑसमोल प्रति लीटर जैसे जैसे बेटा ये नीचे की तरफ आता है हम में नीचे की तरफ जाते हैं, इसकी परासरणता 300 से 400, 600, 800 हजार 1200 सौ मिली ऑस्मोल प्रति लीटर तक पहुंचती है और फिर बेटा इसकी अवरोही भुजा जब ऊपर जाती है तो वापस से बाहर की परासरणता कितनी हो जाती है बारह से तीन ठीक है अब ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर नीचे जाते जाते मध्यांश के अंदर की तरफ जाते जाते अगर परासरणता बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा जो है उसमें से पानी का अवशोषण होगा या पुनः अवशोषण होगा क्योंकि बाहर बेटा पानी कम है अंदर निस्यंद में पानी ज्यादा है तभी तो बेटा पानी अपनी अधिक सांद्रता से निस्यंद से कम सांद्रता में जाएगा ठीक है तो ये हो गया बेटा आपका किस तरीके से जल का पुनः शोषण होता है आपकी अवरोही भुजा में ठीक है अब जब हम बात करते हैं निस्चंद को सांद्रित करने की तो यहाँ पे आपको छोटी छोटी सी बस चार चीजें पता होनी चाहिए जहां से आपके नीट का क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले तो वही चीज कि आपके हेनले लूप की अवरोही आरोही भुजा किसके लिए पारगम्य अपारगम्य तो अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य और वैद्युत अपगट के लिए लगभग अपारगम्य और आपकी इसकी आरोही भुजा जो होती है हेनले पाश की वो वैद्युत अवघट के लिए पारगम्य और जल के लिए लगभग अपारगम्य पहली चीज निश्चंद को सान्दृत करने में कौन कौन भूमिका निभाता है तो सबसे पहले तो आपके हेनले पाश की अवरोही और आरोही भुजा और दूसरा बेटा की अवरोही और आरोप की अवरोही और आरोही भुजा अब आपके मध्यांश में वासा और ये जो बेटा आपके अम्म पाश है इसकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होती है कि ये आपके मध्यांश में वृक के मध्यांश में प्रतिधारा काउंटर करेंट मैकेनिज्म प्रतिधारा प्रक्रिया का निर्माण करते हैं अब इसको हमने काउंटर करेंट मैकेनिज्म या प्रतिधारा क्यों बोला प्रति मतलब विपरीत दिशा में धारा मतलब बहाव तो सबसे पहले हम देखेंगे हेनले पाश हेनले पाश की अवरोही भुजा में निस्चंद नीचे जा रहा है और आरोही भुजा में निस्चंद ऊपर जा रहा है तो इसकी हेनले पाश की दोनों भुजाओं में निस्चंद के धारा जो बहाव है उसकी दिशा विपरीत है इसी के पैरल बेटा जो आपका वासा एकता है की भी एक अवरोही और एक आरोही भुजा है तो अवरोही भुजा में रक्त कैसा जा रहा है नीचे की तरफ ठीक है और आरोही भुजा में रक्त ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपके वासर एकता की अवरोही और आरोही आरोही भुजा में भी रक्त का जो बहाव है वो विपरीत दिशा में है साथ ही साथ आपके हेनले पाश की अवरोही भुजा जिसमें निस्यंद नीचे की तरफ जा रहा है इसी के साथ में वासा रेक्टा की आरोही भुजा में रक्त ऊपर जा रहा है तो ये दोनों भी आपस में विपरीत दिशा में रक्त और निस्संद का प्रवाह दिखा रहे हैं साथ ही साथ हेनले पाश की आरोही भुजा जिसमें निस्संद रहा है उसी के पार्लली बेटा आपके वासा रेक्टा की अवरोही भुजा जिसमें आपका रक्त नीचे की तरफ जा रहा है ये दोनों भी आपस में विपरीत दिशा में प्रवाह दिखा रहे हैं आपके निस्संद और रक्त का इसीलिए बेटा इस पूरी प्रक्रिया को हम प्रतिधारा प्रक्रिया प्रतिधारा प्रक्रिया कहते हैं ठीक है दो चीजें हो गई कौन किसके लिए पारगम्य और दूसरा हमने ये प्रतिधारक क्यों बोलते हैं तीसरा बेटा यहां पर हमने क्या बोला कि जो मध्यांश का ऊपरी भाग है वहां पर

मॉलिक्यूल्स uh, या कौन से कंपाउंड्स या कौन से आयंस हैं जो कि प्रमुख भूमिका निभाते हैं तो एनएसएल और आपका यूरिया पांचवा क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना प्लीज आपकी हेनले पाश की अवरोही भुजा से जल का पुनः अवशोषण होता है ये जल कहां जाता है उसी के पैर जा रहे हैं आपके वासरिकता की आरोही भुजा में बदले में आपके वृक्क मध्यांश में जो वासर एकटा की आरोही भुजा है यह NACL देती है ठीक है इसी के साथ साथ आपके हेनले पाश की आरोही भुजा जिसमें से NACL का पुनः अवशोषण हो रहा है यह NACL इसके पैरेलली जो वासर एकटा की अवरोही भुजा है उसमें जा रहा है बदले में यही वासर एकटा की अवरोही भुजा मध्यांश में क्या निकाल रही है जल यहां से आपका क्वेश्चन आता है कि में, व्रक मध्यांश में वृक्क मध्यांश में एनएसीएल कौन निकालता है तो वृक्क मध्यांश में बेटा मध्याएल निकालती है आपकी वास्तरता की आरोही भुजा वृक्क मध्यांश में जल कौन निकालता है तो वृक्क मध्यांश में बेटा जल निकालती है आपकी वास्तरता की अवरोही भुजा ये पांच ही क्वेश्चन बेटा आपके इस टॉपिक से आते हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है आपका वृक्क क्रियाओं का नियमन ठीक है वृक्क क्रियाओं के नियमन में हमने पढ़ा था रास मेकेजम ठीक है रास रेनिन एंजोटेंसिन, आ, आ, मेकानिजम। रास मिकैनिज्म शुरू कब होता है तो जब आपका जी एफ आर ग्लोमलर फिल्ट्रेशन रेट दर जो कि प्रति मिनट 125 सौ का होता है यदि आपका जी एफ आर कम हो रहा है मतलब आपके जो अविवाही धमनी है बेटा अभिवाही अविवाही धमनी का जो है उसने बेटा रक्त कम आ रहा है रक्त कम आ रहा है तो दाब कम बनेगा केशिका का कुछ में केशिका का कुछ में दाब कम बनेगा तो बेटा निस्संद भी कम बनेगा तो जब बेटा यहाँ पर रक्त दाब कम होगा तो इस अभिवाही धमनी का जो आपकी अभिवाही का है बेटा यहाँ पर कुछ दाब संवेदी केंद्र होते हैं जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं कि भाई साहब दाब कम है जब बेटा वो एक्टिवेट होते हैं तो ये क्या करते हैं ये आपके आ, हम इसको बोलते हैं Uh, जो आपकी डिस्टल डीसीटी होता है डीसीटी यानी कि दूरस्थ संवलित नलिका और आपकी एफरेंट आर्टीरियल यानी कि अभिवाही धमनिका कुछ ऐसे वृक्षाणु जहां पर आपकी दूरस्थ संवलित नलिका और अभिवाही धमनिका पास आ जाते हैं काफी समीप एक दूसरे के व्यवस्थित रहते हैं वहां पर बेटा इन दोनों की ही वित्तीय की कोशिकाओं में कुछ रूपांतरण हमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं और ये बेटा बनाते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सानिध्य उपकरण ठीक है इस सानिध्य गुच्छीय उपकरण में जो आपकी जक्स, सेल्स होते हैं यहां से, जब कभी भी यहां पर दाब कम होता है वजह से कम हो जाएगा प्रति मिनट उस कंडीशन में बेटा आपके जेजी सेल्स सक्रिय होते हैं और यहां से बेटा एक रसायन निकलता है जिसको हम बोलते हैं रेनिन क्या बोलते हैं आपके रेनिन. ये रेनिन और हार्मोन की तरह काम करता है ये रेनिन आता है आपके रक्त में उसी रक्त में जिसमें आपके यकृत से एक बनकर के रसायन पड़ा हुआ है एंजियोटेंसिनोजन। ये एंजियोटेंसिनोजन अभी निष्क्रिय अवस्था में है जेजी सेल से आया हुआ रेनिन इसको सक्रिय करके एंजियोटेंसिन वन में परिवर्तित करता है ये ये कहाँ हो रहा है आपके रक्त में ये एंजियोटेंसिन वन पहुंचता है बेटा आपके रक्त के परिसंचरण के साथ आपके फेफड़ों में फेफड़ों में एंजियोटेंसिन परिवर्तन करने वाले एंजाइम होते हैं जो कि एंजियोटेंसिन वन को एंजियोटेंसिन टू में परिवर्तित कर देते हैं जैसे ही बेटा ये एंजियोटेंसिन टू बनता है एंजियोटेंसिन रक्त दाब को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो वाहिनी संकुचन करेगा ये एंजियोटेंसिन टू बहुत ही स्ट्रांग वाहिनी संकुचक होता है ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है ये वाहिनियों का संकुचन करेगा वाहिनियों का संकुचन होते ही बेटा रक्तदाब बढ़ जाएगा ठीक है दूसरा बेटा ये आपका अधिव्रक जो आपका ग्रंथी अधिव्रक ग्रंथी एड्रिनल मेड्यूला ग्लैंड जो है बेटा आपका या सुप्रान ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं ये आपके अधिव्रक ग्रंथी के जो वलकुटीय भाग है वहां से एक हार्मोन निकलवाएगा जिसको हम बोलते हैं एल्डोस्टिरोन ये एल्डोस्टिरोन बेटा क्या करता है ये एल्डोस्टिरोन आकर के आपके वृक्षाणु के दूरस्थ संबलित नलिका पर काम करता है वहां पर क्योंकि एक मिनरलो कॉर्टिकॉइड है तो ये मिनरल यानी कि सोडियम आयन का पुनः अवशोषण कराते हैं और जब सोडियम आयन आएगा तो पीछे पीछे जल भी आएगा क्यों आएगा बताया था मैंने आपको क्लास में ठीक है तो यहां से बेटा ये आपका सोडियम आयन और जल का पुनः शोषण कराता है साथ ही साथ आपके में जो केंद्र है आपके प्यास का उस केंद्र को सक्रिय कर दिया जाएगा तो आपको प्यास लगेगी आप पानी पिएंगे तो भी आपका रक्त दाप बढ़ेगा सोडियम आयन और जल जब बेटा आपके वाहिनी में जा रहा था उससे भी बेटा जल जब बढ़ेगा वाहिनी में मतलब रक्त का आयतन बढ़ेगा रक्त का आयतन बढ़ेगा तो रक्त का दाब बढ़ेगा साथ ही साथ बेटा आपकी पश्च पीयूष ग्रंथी से एक हॉर्मोन आता है जिसको हम बोलते हैं प्रतिमूत्रल हॉर्मोन या वैसोप्रेसिन ही है वैसो प्रेसन मतलब वेसल्स को जो प्रेस करेगा जो कि वाहिनी संकुचक है रक्तदाब बढ़ाएगा साथ ही साथ बेटा ये एडीएच भी आकर के क्या करेगा मूत्रता को कम करेगा मूत्रलता को कम कैसे करेगा ये भी आपके दूरस्थ सम्मिलित नलिका में आकर के जल का पुनर्वशोषण कराएगा जिसकी वजह से जल आपके वाहिनियों में जाएगा जल वाहिनी में जाएगा तो रक्त आयतन बढ़ेगा रक्त आयतन बढ़ेगा तो रक्तदाब बढ़ेगा तो हर तरफ से बेटा रक्तदाब बढ़ेगा तो आपका जो गुच्छीय निसंदन दर जो कि कम हो गया था वो वापस से बढ़ जाएगा और कहीं वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए तो उस चीज़ को चेक करने के लिए कंट्रोल करने के लिए आपके हृदय के आलिंद की भित्ती से हृदय के आलिंद की भित्ती से एक फैक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं एट्रियो नेट्री फैक्टर ए एन एफ ये बेटा एक वाहिनी फैलावक होता है तो ये वाहिनियों का फैलाव कर देगा जिससे कि जो संकुचन हुआ था एक्स्ट्रा उसको फैला करके सामान्य कर देगा जिससे कि बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दाब नॉर्मल पे आ जाएगा ठीक है ये हो गया आपका रासमिक इसके बाद हम बात करते हैं बेटा मूत्र मूत्रण यानी कि मिक्चुरिशन क्या होता है तो मिक्चुरिशन आपको सबको पता है जो मूत्र बना है जो कि जाकर के आपके यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय में जो संग्रहित हुआ है उसको बेटा शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम मूत्रण यानी कि मूत्र कहते हैं अब ये क्यों है तो जैसे जैसे बेटा आपकी किडनी में से किडनी में जो भी यूरिन बन रहा है मूत्र बन रहा है बेटा ये आपके मूत्रवाहिनी से पहुंचेगा आपके मूत्राशय में तो जैसे जैसे बेटा आपका मूत्राशय भरना शुरू होगा आधा मूत्राशय भरेगा वैसे ही मूत्राशय की भित्ती पर एक दाब आएगा तो मूत्राशय की भित्ती थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच होने लग जाएंगी फैलने लग जाएंगी ताकि अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मूत्र को भर सके तो जैसे ही बेटा ये फैलेंगी तो इसकी भित्ती में कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स कुछ ऐसे ग्राहक उपस्थित होते हैं ग्राही उपस्थित होते हैं जो कि इस फैलाव को इस प्रेशर को कि स्ट्रेच हो रहा है ना उसको बेटा सेंस करेंगे और उस स्ट्रेच को बेटा सेंस करने के बाद ये आपके आ, इस मैसेज को आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक भेजेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम भेजेंगे संवेदी तंत्रिकाओं से तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या बोलेगा अच्छा अगर भरी गया तो उसको खाली करो तो खाली करने के लिए बेटा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मोटर जो चालक तंत्रिकाएं हैं वो आएंगी और ये चालक तंत्रिकाएं बेटा आपके मूत्राशय की भित्ती में संकुचन कराएंगी जैसे ही मूत्राशय की भित्ती में संकुचन होगा तो बेटा मूत्र बाहर आएगा अब मूत्र बाहर आने के लिए जो आपका यूरेथ्रा होता है मूत्र मार्ग यहां पर बेटा दो द्वार होते हैं एक अंदरूनी एक बाहरी जिसको हम अवरोधनी बोलते हैं स्पिंग जिसमें अंदरूनी जो द्वार या अवरोधनी होती है वो अनैच्छिक होती है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है लेकिन बाहरी जो अवरोधनी है वो ऐच्छिक होती है तो कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रेशर लग रहा है बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा जोर से सूस सुसु आई इवन ये भी होता है कि सुसु बस निकल ही रही है लेकिन फिर भी हम कंट्रोल कर पाते हैं क्योंकि बाह्य अवरोध नहीं हमारे कंट्रोल में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा एक और मूत्राशय की वित्ती में डेट्यूसर पेशियां पाई जाती हैं ठीक है जिनकी ऊपर ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं आगे अब ये जो मूत्र होता है बेटा इस मूत्र का पीएच आपका मैंने बताया हल्का सा अम्लीय यानी कि छ होता है इस मूत्र का बेटा हल्का पीला कलर होता है क्योंकि इसमें यूरोक्रोम नाम का वर्णक होता है इस मूत्र में आ, इस मूत्र के थ्रू हम यूरिया जो कि नाइट्रोजन ही अवशिष्ट पदार्थ है उसको हम निकालते हैं और प्रतिदिन हम लगभग पच्चीस से तीस ग्राम यूरिया को शरीर से बाहर निकालते हैं ठीक है थीके? अगला टॉपिक है आपके इसी उत्सर्जन में उत्सर्जी तंत्र के अलावा और कौन से आपके शरीर के अंग हैं जो कि भूमिका निभाते हैं तो सबसे पहला हो गया आपका फेफड़े ठीक है फेफड़े से हम कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प निकालते हैं वाष्प के रूप में जल निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लगभग हम 200 सौ प्रति मिनट निकालते हैं इसके अलावा बेटा आपका यकृत हो गया जो कि बाइल वर्णक निकाल रहा है ठीक है बाइल पिगमेंट्स निकाल रहा है बाइल जूस के थ्रू आपके उत्सर्जी पदार्थ आपके आ, आहार नाल के थ्रू बाहर निकाल रहे या आपके गुदा द्वार के थ्रू बाहर निकाल रहे इसके अलावा बेटा आपके श्वेद ग्रंथियाँ हो गई पसीने वाली और तेली ग्रंथियाँ ठीक है स्वेट ग्लैंड और आ, सिबेशियस ग्लैंड तो जो आपके स्वेट ग्लैंड होते हैं जिनको हम स्वेत ग्रंथियाँ बोलते हैं उससे बेटा आपका जल निकलता है वास्तव में उन स्वेट ग्लैंड का काम होता है आपके शरीर को ठंडक देना क्योंकि पसीना निकलेगा तो पसीना वाष्पीकृत होगा वाष्पीकरण से हमेशा ठंडक मिलती है ठीक है तो वास्तव काम तो होता है उसका बेटा पसीने का कि आपके शरीर को ठंडक मिले लेकिन इसी पसीने में बेटा हम न, पानी निकाल रहे हैं हम पसीना कभी पिए नमकीन होता है एन निकाल रहे हैं इसी में बेटा थोड़ी बहुत मात्रा में आपका यूरिया भी पाया जाता है इसके अलावा जो आपकी तेली ग्रंथियाँ होती हैं सीबेशियस ग्रंथियाँ इससे निकलने वाले सिक्रीशन को हम सीबम बोलते हैं और इसका काम होता है वास्तव में आपकी त्वचा को प्रोटेक्ट करना ठीक है उसको सुरक्षात्मक एक परत देना और इसका बेटा इसके थ्रू आपके आ, जो तेली ग्रंथियां हैं इससे जो निकलता है सीबम इस सीबम के थ्रू बेटा स्टिरोल्स हाइड्रोकार्बन्स वगैरह भी हम शरीर से बाहर उत्सर्जित कर रहे हैं ठीक है इसके अलावा कुछ मात्रा में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ आपकी लार में भी पाए जाते हैं लास्ट टॉपिक बेटा इस चैप्टर का जो है वो है इस उत्सर्जित तंत्र से संबंधित रोग जिसमें सबसे पहला है आपका यूरेमिया यूरेमिया इस जब आपकी व्रक इतने सक्षम नहीं रह पाते कि वो जितना भी यूरिया जो बन रहा है आपके शरीर में 25 से 30 ग्राम उसको मतलब बनता तो ज़्यादा है निकालते हम 25 से 30 ग्राम में कुछ मात्रा में यूरिया हम अंदर रख लेते हैं बताया है था ना उस परासरणता को मध्यांश की परासरणता को बनाए रखने के लिए ठीक है तो जब बेटा आपका ये यूरिया सफिशियंट मात्रा में शरीर से बाहर नहीं निकल पाता मूत्र के द्वारा और रक्त में बेटा इस यूरिया की सांद्रता बढ़ती जाती है बढ़ता जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ठीक है? यूरेमिया, तो रक्त में यूरिया की मात्रा का बढ़ना सही से काम नहीं मतलब फेलियर हो है, रीनल फेलियर हो चुका है आ, काम नहीं कर अब इसका ट्रीटमेंट क्या है बेटा तो इसके लिए हम रक्त अपोहन यानी कि हीमोडायलिसिस करवाते हैं हीमोडायलिसिस में हम एक डायलाइजर यूनिट का यूज करते हैं जिसमें डायलाइजिंग इकाई जिसको हम बोलते हैं अपोहन इकाई जिसमें हम बेटा पेशेंट के शरीर से रक्त को निकाल करके कहाँ डालते हैं आपके उस जैलेजिंग यूनिट में जिसमें सेलोफेन ट्यूब होती हैं और इस जैलेजिंग इकाई में या पोहन इकाई में बाहर एक द्रव्य भरा होता है जिसको जिसका आ, जो कॉम्पोजिशन होता है जिसका संगठन आपके प्लाज्मा के जैसा होता है बिल्कुल सिवाय नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के बस आपके प्लाज्मा में नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ हैं और इस अपोहन इकाई के अंदर जो द्रव्य भरा है उसमें नहीं है बाकी सब कुछ आपके प्लाज्मा के जैसा ही इसमें होता है ताकि जब उस सेलोफेन ट्यूब से आपका ये आ, रक्त जाए तो उस रक्त में से सब कुछ बाहर ना जा पाए रक्त की कोशिकाएं वैसे ही नहीं जाएंगी क्योंकि ये इसके छिद्र बहुत छोटे हैं प्लाज्मा प्रोटीन वैसे भी नहीं जाएंगे क्योंकि इसके छिद्र बहुत छोटे हैं हाँ बाकी आयन वगैरह भी नहीं निकलेंगे क्योंकि इसके छिद्र में मतलब इस इकाई के जो द्रव्य हैं उसके अंदर भी वो आयन की समान सांद्रता है तो समान सांद्रता में वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे ठीक है केवल यूरिया जो कि रक्त में ज़्यादा है और अपोहन इकाई में नहीं है इसलिए यूरिया रक्त में अपने अधिक सांद्रता से उस इकाई के द्रव्य में निकल जाएगा अपने कम सांद्रता की और बाकी पूरा रक्त हम वापस शरीर के आ, आ, आ उस पेशेंट के शरीर में डाल देंगे एक और चीज जब हम बेटा शरीर से उसके ये आ, निकालते हैं रक्त उस समय पर रक्त का स्कंदन ना हो जाए हम उसके लिए एक प्रतिस्कंदक हिपेरिन का इस्तेमाल करते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला जो रोग है वो है बेटा आपका गुच्छीय शोथ, जिसको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं जिसमें गुच्छिकाओं में जो गुच्छिका जो केशिकाएं हैं उनमें बेटा सूजन वगैरह आ जाती है एक और है बेटा इसमें रीनल कैलकुलाई है ना जिसको हम किडनी स्टोन के नाम से जानते हैं आपके व्रक में छोटे छोटे आ, पत्थर बन जाते हैं पत्थरी जिसको हम सामान्य भाषा में बोल देते हैं और यहां से बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बस आपको इतनी पता होनी चाहिए कि वृक्ष के अंदर कैल्शियम ऑक्जिलेट के छोटे 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 क्रिस्टल्स बन जाते हैं क्रिस्टल मतलब इससे छोटे चोट छोटे कड़ बन जाते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट के कैल्शियम कार्बोनेट के नहीं बनते हैं नीट में आ चुका है ये कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल्स बनते हैं ठीक है तो ये हो गया बेटा इससे संबंधित रोग कोशिश की है कि सब कुछ मैंने कवर किया है फिर भी कुछ छूट गया हो तो आप जैसा कि आपने लास्ट चैप्टर में बताया था दो टॉपिक मेरे रह गए थे टॉपिक क्या दो लाइन रह गई थी वो आप मुझे बता सकते हैं एंड आई होप बढ़िया आपका एन और नोट्स इमेजिन हुआ होगा चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी और खुद से कॉन्फिडेंस आ रहा होगा बाकी बेटा क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद पी वाई क्यूज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा और हमारे आ, हिंदी मीडियम के चैनल पर बेटा मैंने पी वाई क्यूज़ रिकॉर्ड करके डाला नीट सेलेक्शन एक्सप्रेस लास्ट ईयर के आप वो भी जरूर देखिएगा बढ़िया अपना ध्यान रखिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में मानव कार्य के एक नए अध्याय के साथ तब तक के लिए बाय बाय